एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आपको ये वाला फ्लावर बना के दिखाऊंगी। ये एक पूरी बेडशीट है और मैं बेडशीट आपको दिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ उसी का एक छोटा सा पैटर्न है ये। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर किया है पहले, और वाइट कलर के बाद मैंने गोल्डन येलो कलर किया है। गोल्डन येलो बहुत लाइट होगा, बट रेड कलर जो होगा ऊपर से ये लाइट नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क होगा। ये स्टार्टिंग में बहुत लाइट करना है आपको, उसके बाद हमें एक कोड और करना है जब फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तब। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा इस तरह से बना लूँगी फ्लावर। तो ये हाफ बन गया है। अभी जो आपको रेड कलर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर पर रेड कलर काफ़ी लाइट लग रहा है और इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ये जब डबल कोड होगा तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये वाइट कलर जो मैं कर रही हूँ ये सिंपल नहीं है, बल्कि ये फैब्रिक का पर्ल कलर आता है जिसमें शाइनिंग होती है। अभी आपको शाइनिंग ही नहीं दिख रही होगी, वो बाद में दिखाई देगी, क्योंकि बनने के बाद शाइनिंग आ जाती है। आप चाहें तो फैब्रिक के सिंपल वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेड और गोल्डन कलर सिंपल फैब्रिक के हैं। तो आप चाहें तो फैब्रिक कलर यूज़ करें, चाहें आप पर्ल कलर यूज़ करें, बट एक बात याद रखिए कि पर्ल कलर जो यूज़ करते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, और जो फैब्रिक के सिंपल कलर आते हैं वो डार्क होते हैं। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही से किया जाए तो बहुत अच्छा शेड आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको सिर्फ पर्ल कलर से ही बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर मैंने कर दिया है, और ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा है रेड कलर के बाद। यहाँ पर मैं आपको लीफ बनाना दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने पहले वाइट कलर किया है, वही वाला वाइट कलर है ये। फिर ये सैप ग्रीन कलर है, सैप ग्रीन से मैं बीच में आउटलाइन करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें गोल्डन येलो कलर लगाने वाली हूँ। गोल्डन येलो बीच में हो जाएगा बेस, उसके बाद मैं सैप ग्रीन से ही शेड आएगा उसको ऊपर, और उसके बाद इसमें रेड कलर से आउटलाइन होगी, और आउटलाइन के बाद हर कलर बीच में शेड होगा रेड कलर से। तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। रेड कलर भी ऑरेंज पर बहुत प्यारा लगता है, आप ट्राई ज़रूर करें ऑरेंज के ऊपर। और पूरी बेडशीट की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और आप सभी को बहुत पसंद आई है। इसके बाद ये कॉफ़ी कलर से मैं अपने बीच में लाइन करूँगी, और इसी वाला ब्रश, ये जो ब्रश है ये सेकेंड नंबर का है, फ्लैट ब्रश, आप यही यूज़ करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।